वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के जीवन और नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से प्रेरक प्रसंगों द्वारा सत्कार्यों के लिए प्रेरित करना, ये उनके पाठ का उद्देश्य है। अब हम ये पाठ को देखेंगे। यहाँ पे महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का पिक्चर दिया गया है, वो ऐसे दिखते थे। अब देखेंगे चैप्टर के द्वारा उनके जीवन के बारे में। विश्व में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से अर्जित धन परोपकार में लगाकर मानवता की सेवा की। यानी उसका अर्थ होता है कि दुनिया के अंदर बहुत ऐसे पुरुष हो चुके हैं जिन्होंने अपनी योग्यता से जो धन प्राप्त किया था, अर्जित करना मतलब कमाया हुआ, यानी उन्होंने जो कमाया हुआ धन था वो उन्होंने मानवता के लिए, परोपकार के लिए उसको उपयोग में, उनको उनकी सेवा के लिए उन्होंने दे दिया। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का नाम भी ऐसे ही महापुरुषों में लिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्न आविष्कारों से अर्जित संपूर्ण धन मानव कल्याण हेतु अर्पित कर दिया। आगे क्या बताते हैं, ऐसे मनुष्य जिन्होंने पूरा अपना कमाया हुआ धन परोपकार के लिए लगा दिया, वैसे लोगों के अंदर अल्फ्रेड नोबेल का नाम आता है, जो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्न यानी अलग अलग तरह के आविष्कार किए और उनसे जो धन अर्जित हुआ, जो धन प्राप्त हुआ, जो धन कमाया, वो सारा धन उन्होंने मानव कल्याण के लिए यानी मानव की भलाई के लिए दे दिया, अर्पित कर दिया, मतलब दे दिया। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता इमानुएल नोबेल एक आविष्कारक थे। वे स्वीडन में नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करते थे। ब्लास्टिंग ऑयल नाम के इस रसायन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था। अब उनके जन्म के बारे में बताया है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था और उनके पिता का नाम था इमानुएल नोबेल। वो भी एक आविष्कारक थे, उनके पिता भी एक आविष्कारक थे और वो क्या करते थे, स्वीडन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करने का काम करते थे जिसको बेलास्टिक ऑयल के रसायन से बनाया जाता था। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन था वो ब्लास्टिक ऑयल नाम के इस रसायन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था, यानी इसका उपयोग विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता था। अब देखेंगे आगे। अल्फ्रेड ने घर पर ही विज्ञान, साहित्य, रसायन, भौतिकी आदि विषयों का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी भाषाएं सीख ली थी। पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसीलिए केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। वहां नाइट्रोग्लिसरीन के आविष्कारक रसायन शास्त्री आस्कोनियो सुब्रेरो से उनकी मुलाकात हुई। अब उनके लाइफ के बारे में बताया है कि उनके बड़े होने के बाद क्या होता है कि अल्फ्रेड नोबेल को घर पर ही अध्ययन किया करते थे, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, रसायन के बारे में, भौतिक आदि विषयों का अध्ययन वो घर पर ही किया करते थे और 17 वर्ष की उम्र में यानी ओनली 17 ईयर की एज के अंदर उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली थी, जैसे कि रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाएं उन्होंने 17 ईयर की आयु में सीख ली थी। उनके पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उनको पेरिस भेज दिया। पेरिस में उनकी मुलाकात नाइट्रोग्लिसरीन के आविष्कारक यानी नाइट्रोग्लिसरीन के अन्वेषक, उनको बनाने वाले से हुई, जिनका नाम था अस्कानियो सुब्रेरो, उनसे उनकी मुलाकात हुई। नीचे पूरा ये चैप्टर का इंग्लिश वर्जन दिया गया है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। 1852 में अल्फ्रेड इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने सेंट पीटर्सबर्ग लौटे, यानी उन्होंने वहां पे इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई खत्म कर दी और फिर वो वहां से सेंट पीटर्सबर्ग
वापस आ गए। अब पिता पुत्र दोनों ने इस दिशा में नए शोध करने का करना आरंभ किया। अब जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी तो उन्होंने भी अपने पिता के साथ नया रिसर्च कार्य शुरू किया। उनका शोध नाइट्रोग्लिसरीन के सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। उनकी शोध यानी उनकी जो खोज थी वो किसके ऊपर, शोध का अर्थ होता है खोज और परिवहन का अर्थ होता है लाना ले जाना। यानी अब उनके रिसर्च का क्या टॉपिक था कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे लाने ले जा सकते हैं, इधर से उधर ले जा कैसे सकते हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च का काम उन्होंने वहां पे केंद्रित किया। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित होकर शुष्क पदार्थ में पड़ा था। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्लिसरीन है वो क्या था, एक कार्बनिक पैकिंग के अंदर अवशोषित का मतलब वो था वो सूखा हुआ होकर वो पैकेट के अंदर पड़ा था। इससे ब्लास्टिक ऑयल की सार संभार आसान हो गई। यानी उनको पता चल गया कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे संभाल सकते हैं। उनको नाइट्रोग्लिसरीन बहुत जलद पदार्थ था, अगर गलती से भी वो नीचे गिर जाए तो जहां पे गिरा वहां के सारे लोग ब्लास्ट होके मर सकते हैं। इसीलिए उसको सेफ रखना, उसको संभाल के रखना या फिर इधर से उधर किसी जगह पे ले जाना, तो वो कैसे करना, उसका परिवहन कैसे करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक दिन वो लोग जब ये काम कर रहे थे तब विशेष एक कार्बनिक पैकिंग के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित शुष्क पदार्थ में बदल जाता था। उन्होंने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन है वो कार्बनिक पैकिंग के अंदर क्या हो जाता था, सूख जाता था, शुष्क बन जाता था। इसलिए उनको पता चला कि अब बैलास्टिक ऑयल की सार संभाल कैसे ले सकते हैं, ये उनके लिए अभी आसान हो गया। साथ ही इस नई खोज के लिए खोज से वे भविष्य में डायनामाइट निर्माण में सफल हुए। और ये खोज से वो डायनामाइट को निर्माण कैसे कर सकते हैं, डायनामाइट को कैसे बना सकते हैं, वो कार्य में वो इससे सफल हुए। तब से उन्हें डायनामाइट विस्फोटक का जनक कहा जाता है। उसके बाद उनको डायनामाइट का विस्फोटक कहा जाने लगा। 1864 में एक दुखद घटना घटी। कारखाने में भयंकर विस्फोटक होने से कई मजदूर और नोबेल के छोटे भाई इमिल की मृत्यु हो गई। कारखाने की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। कारखाने की पुनर्स्थापना की अनुमति न मिलने से हार मानने की उपेक्षा उन्होंने मालारेन सरोवर पर बांध का निर्माण करके उत्पादन जारी रखा। यानी क्या हुआ था, 1864 में क्या हुआ, एक दुखद घटना घटी कि कारखाना, उनका जो कारखाना था उसके अंदर एक भयंकर विस्फोटक हो गया जिसके अंदर बहुत सारे मजदूर और अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई जिसका नाम था एमिल, उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण अब कारखाने की इमारत पूरी ध्वस्त हो गई थी, यानी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, टूट गई थी। अब कारखाने की पुनर्निर्माण की, यानी वो कारखाना तो पूरा टूट चुका था पर दूसरा उसी जगह फिर नया कारखाना बनाने की उनको परमिशन मिली नहीं। इससे उन्होंने क्या किया, वहां पे मालरेन सरोवर पर बांध का निर्माण करके उत्पादन का काम उन्होंने अपने उत्पादन का काम रोका नहीं, पर ये जगह पे उन्होंने काम चालू रखा। 1866 में 33 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड नाइट्रोग्लिसरीन से भरी हुई परखनली को उलट पलट रहे थे कि परखनली अचानक नीचे जा गिरी। संयोगवशात परखनली लड़की के बुरादे से भरे डिब्बे में गिरी थी। लकड़ी के बुरादे से नाइट्रोग्लिसरीन सोख लिया था। यदि यह नीचे गिरता तो अल्फ्रेड सहित प्रयोगशाला में कार्यरत सभी लोग मर जाते। क्या हुआ, 1866 में 33 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन से भरी हुई एक परखनली को उनको देख रहे थे तो उनके हाथ से वो नीचे गिर गई। तो नीचे गिरते ही वो एक बुराद से भरे डब्बे के अंदर गिर गई और बुराद के अंदर वो नाइट्रोग्लिसरीन को उसने सोख लिया, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अगर वो नीचे गिरता तो प्रयोगशाला में उनके सहित अल्फ्रेड नोबेल के सहित सारे लोग मर सकते थे। तो ऐसा कैसे हुआ, ये रिसर्च उन्होंने शुरू किया कि ऐसे कैसे हुआ कि नाइट्रोग्लिसरीन गिरा फिर वो विस्फोटक क्यों नहीं हुआ। तो लकड़ी के बुरादे में मिली नाइट्रोग्लिसरीन की जांच करने पर पाया गया कि उसमें उतना विस्फोटक नहीं है जितना तरल रूप में था।
अतः उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के साथ मिलाकर ऐसा पेस्ट तैयार किया जिसे मन चाहे आकार की छड़ों में बदला जा सके। इन छड़ों का उपयोग विस्फोटक करने के लिए आसान था। क्या हुआ, लकड़ी के अंदर, लकड़ी के बुरादे में जो नाइट्रोग्लिसरीन की वजह उसने जो सूख लिया था उसकी उन्होंने जांच की, तो जांच करने पर पाया गया कि उसमें उतना विस्फोटक था नहीं जितना तरल रूप में था, यानी वो लिक्विड रूप में होता है तब जितना विस्फोटक होता है उतना उसमें था नहीं। अतः उन्होंने डिसाइड किया कि नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के साथ मिलाकर उन्होंने एक पेस्ट तैयार किया और पेस्ट को मनचाहा आकार दिया, मतलब उसको जो आकार देना चाहो वो आकार उसको दे सकते हो। फिर उन्होंने इन छड़ों को यानी धातु के लंबे टुकड़ों का उपयोग करने के लिए आसान था, यानी इनके जो आकार दिए वो आकार का छड़ों में बदला जा सकता था। छड़ों का अर्थ होता है धातु के लंबे टुकड़े, यानी उन्होंने वो जो बना उनका यानी पेस्ट तैयार करके उन्होंने विविध धातु के आकार उन्होंने दे दिए, इसलिए उनके लिए विस्फोट करने के लिए वो चीज आसान हो गई। अल्फ्रेड ने डेटोनेटर का आविष्कार भी किया। उन्होंने अपने डायनामाइट आविष्कार के व्यावसायिक इस्तेमाल का विचार बनाया। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का ब्रिटिश पेटेंट तथा 1868 में अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया। 1889 में उन्होंने बैलास्टिक नाम का धुआं रहित विस्फोटक बनाया। अपने 335 पेटेंट में उन्होंने कृत्रिम रबर चमड़े तथा कृत्रिम रेशम का पेटेंट भी हासिल किया। यानी उन्होंने क्या किया, अब उनको विस्फोटक को कैसे उसका छड़ों में बना के कैसे इस्तेमाल कर सकते वो उनको पता चल गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक डेटोनेटर का आविष्कार किया और उसको अपने डायनामाइट बनाने के डेटोनेटर का आविष्कार करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं डायनामाइट आविष्कार के व्यवसाय के बारे में थोड़ा सोचूं, उस लाइन में मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। तो उन्होंने डायनामाइट का ब्रिटिश पेटेंट, यानी कोई भी चीज अगर हमने पहली बार उसको बनाई है तो गवर्नमेंट से ये चीज आपके द्वारा ही बनी गई है ऐसा पेटेंट हमें लेना पड़ता है, तो ब्रिटिश सरकार से उन्होंने पेटेंट लिया। 1868 में अमेरिकी पेटेंट भी उन्होंने प्राप्त कर दिया और उन्होंने बैलास्टिक नाम की धुआं रहित यानी जिसमें से धुआं न निकले वैसा भी उन्होंने एक विस्फोटक बनाया। यानी उनके जो भी पेटेंट थे उनमें क्या इस्तेमाल होता था, रबर चमचे चमड़े तथा कृत्रिम रेशम का पेटेंट भी उन्होंने हासिल कर लिया था, यानी ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके भी वो बना सकते हैं ऐसा उन्होंने परमिशन ले लिया था। उन्होंने विस्फोटकों का विशाल कारखाना भी बनाया। उनके द्वारा तैयार किए गए विस्फोटकों से रेलवे लाइन बनी, पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए गए, खदानें खोदी गई, इन सब से उनके पास काफी धन एकत्रित हो गया था। अल्फ्रेड सोचते थे कि जब दुनिया के सारे देश शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपने आप शांति कायम हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने जो विस्फोटक बनाए वो विस्फोटकों से क्या हो सका, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पे कुछ परिवहन पॉसिबल नहीं था, बराबर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था, ऐसी जगहों पे वहां पे विस्फोटक लगा के वो जगह को स्ट्रेट बना दिया गया जहां पे रेलवे लाइन बन सके, पहाड़ तोड़कर रास्ते बन सके, ऐसे काम के लिए उसको बनाया गया। खदानें खोदी गई यानी जमीन के अंदर भी खदान खोदने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ये सब चीजों के लिए वो विस्फोटक का इस्तेमाल होने लगा और इससे इनके पास बहुत सारा धन बहुत सारे पैसे आ गए थे। अल्फ्रेड नोबल ऐसा सोचते थे, ये विस्फोटक बनाने का उनका आशय क्या था कि इससे सारे देश दुनिया के सारे देश शक्तिशाली बन जाएंगे तो अपने आप देश के अंदर शांति कायम हो जाएगी, पर उनका ऐसा सोचना गलत था, ऐसा हुआ नहीं। अल्फ्रेड नोबल एक कुशल आविष्कारक होने के साथ साथ सफल उद्योगपति तथा मानव शांति के समर्थक भी थे। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण हेतु पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षाएं उपलब्ध करवाई थी। वे सबको समान भाव से देखते थे। वे कवि हृदय भी थे। उन्हें पुस्तकों का बहुत शौक था। उनके निजी पुस्तकालय में विभिन्न दार्शनिक, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों की पुस्तकों का भंडार था। अल्फ्रेड नोबल के बारे में बताया है कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट तो थे पर उनके साथ साथ वो कुशल आविष्कार के साथ साथ वो सफल उद्योगपति भी थे, यानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे।
और वो मानव शांति के समर्थक भी थे, यानी मानव लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, उसके समर्थन यानी उसके समर्थक भी थे, उसको मानने वाले, उसको समर्थन करने वाले भी वो थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन सेवा, बीमा सेवा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी और वो सबको एक नजर से देखते थे। और वो एक कवि हृदय भी थे, उनको पुस्तकों का बहुत शौक था। उनके जो निजी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, उनके अंदर विविध प्रकार के पुस्तकों का भंडार था। अपने अंतिम दिनों में अल्फ्रेड को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि डायनामाइट का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा विनाश के लिए किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रमो शहर के विस्फोटकों के परीक्षण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड चाहते थे कि उनकी 92 लाख डॉलर की संपत्ति साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाए। देखो क्या हुआ, उनके उन अंतिम दिनों में यानी जब उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, तब उनको ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने जो डायनामाइट का इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए नहीं, भला करने के कार्यों के लिए नहीं, परंतु विनाश के कार्यों के लिए उनके बनाए हुए डायनामाइट का इस्तेमाल लोग करने लगे थे। 10 दिसंबर को उनकी इटली में मृत्यु हो गई जब वो सैरेमोन शहर के विस्फोटकों का परीक्षण कर रहे थे। वो परीक्षण के दौरान भी, यानी उनके बेटे की मृत्यु भी ऐसे हुई थी और उनकी भी मृत्यु ऐसे हो गई। और उनके जाने के बाद वो चाहते थे कि उनकी जो बहुत सारा 92 लाख डॉलर की जो संपत्ति है, वो संपत्ति विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो भी अच्छा उल्लेखनीय कार्य करे, उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाए। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार मिला, ओके, तो वो उनके नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार यही है नोबेल पुरस्कार। तो उनको पुरस्कृत करने के लिए उनकी जो धनराशि थी उसको इस्तेमाल किया जाए, ऐसा उनका कहना था। नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट में संरक्षित इस धनराशि से प्रति 10 दिसंबर को विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए स्वीडन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या बताया कि उनका जो धन था उसको एक फंड के अंदर डाल दिया गया जिसका नाम था नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट। उसके अंदर उनका धन संरक्षित यानी उनकी धन की सार संभाल हो सके की गई। और फिर क्या किया गया कि हर साल के 10 दिसंबर डेट को वो जो सारा धन है वो धन के अंदर से पुरस्कार दिया जाता है विश्व के सर्वोच्च, पूरी दुनिया के अंदर जो सर्वोच्च शांति पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, ये सारे क्षेत्र के अंदर जिसने भी उल्लेखनीय काम किया हो, उन सबको स्वीडन सरकार द्वारा ये नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसको नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण जगत इन्हें इस महान योगदान के लिए सदा याद रखेगा। पूरी दुनिया उनको इस नाम के लिए हमेशा याद रखेगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अभ्यास के अंदर दिए हैं कुछ मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, जिसके उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। प्रश्न ख, ब्लास्टिंग ऑयल का उत्पादन उपयोग किसके रूप में किया जाता था? तो उत्तर आएगा, ब्लास्टिंग ऑयल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था। प्रश्न नंबर ग, अल्फ्रेड नोबेल ने कितने वर्ष की आयु में विभिन्न भाषाएं सीख ली थी? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 17 वर्ष की आयु में विभिन्न भाषाएं सीख ली थी। प्रश्न नंबर घ, कारखाने में विस्फोटक की दुखद घटना कब घटी? तो कारखाने में विस्फोटक की दुखद घटना 1864 में घटी। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, अल्फ्रेड कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड नोबेल रूसी, फ्रेंच, जर्मन
वो अंग्रेजी भाषाएं जानते थे। ख, अल्फ्रेड के पिता ने उन्हें पेरिस क्यों भेजा, वहां उनकी मुलाकात किन से हुई? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड के पिता ने उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए पेरिस भेजा। कहां भेजा? पेरिस। वहां उनकी मुलाकात नाइट्रोग्लिसरीन के आविष्कारक रसायन शास्त्री आस्कोनियो सुब्रेरो से हुई। प्रश्न नंबर ग, ब्लास्टिंग ऑयल की सार संभाल कैसे आसान हुई? तो उत्तर आएगा, एक दिन अचानक अल्फ्रेड ने देखा कि एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित होकर शुष्क पदार्थ में बदल जाता है, इसीलिए ब्लास्टिक ऑयल की सार संभाल आसान हो गई। प्रश्न नंबर घ, अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट विस्फोटक का जनक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट विस्फोटक का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लास्टिक ऑयल के बाद वे भविष्य में डायनामाइट के निर्माण में सफल हुए, तब से उन्हें डायनामाइट विस्फोटक का जनक कहा जाने लगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ड, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इच्छा प्रकट की? तो उत्तर आएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें उनकी 92 लाख डॉलर की संपत्ति साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ पे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं। प्रश्न एक और दो को हमने टेक्स्ट नोटबुक के अंदर देखा, अभी प्रश्न तीन से हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में। उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लंदन में या स्वीडन में? उनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में। तो यहाँ पे स्वीडन के सामने टिक करेंगे। प्रश्न दो, अल्फ्रेड इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके कहाँ लौट के आए थे? वो पढ़ाई खत्म करके सेंट पीटर्सबर्ग, स्टॉकहोम या फिर पेरिस? तो उत्तर आएगा सेंट पीटर्सबर्ग। तीन, कारखाने में विस्फोटक होने से किनकी मृत्यु हुई? मजदूर एमिल नोबेल की या मजदूरों और नोबेल के छोटे भाई की? किसकी मृत्यु हुई थी? मजदूर और नोबेल के छोटे भाई की। प्रश्न चार, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन प्रदान किया जाता है? अभी हमने देखा कौन से दिन था, यस 10 दिसंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1 जनवरी, 10 दिसंबर और 8 नवंबर। तो सही उत्तर है 10 दिसंबर। अब हम देखेंगे भाषा की बात। तो लिखो, दूसरों का कल्याण करने वाला, तो उसे क्या कहा जाएगा? कल्याणकारी। दूसरों का कल्याण करने वाला कल्याणकारी। जिसे विज्ञान का विशेष ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? वैज्ञानिक। विज्ञान का विशेष ज्ञान हो उसे वैज्ञानिक। जो रसायन विज्ञान का ज्ञाता हो उसे कहेंगे रसायन शास्त्री। जहां विज्ञान से संबंधित परीक्षण होता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रयोगशाला। अब देखेंगे प्रश्न नंबर दो, शब्दों को शुद्ध करके लिखो, यानी उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढनी है। यहाँ पे लिखा है अविष्कार, तो क्या मिस्टेक है? अविष्कार नहीं, उसको बोला जाता है आविष्कार। ओके, दूसरा शब्द लिखा है शुष्क, जबकि शुष्क नहीं पर ये वाला श आएगा, षटकोण वाला श। ओके, तो उसको ऐसे लिखेंगे शुष्क। भविष्य लिखा है, भविष्य के अंदर भी ये वाला श गलत है, दोनों के अंदर, इसके अंदर भी ये वाला श आएगा, षटकोण वाला। ओके, भविष्य। निजी, इसके अंदर मात्रा मिस्टेक है, इसके अंदर लिखा है दीर्घ ई की मात्रा, जबकि नी के अंदर आएगा ह्रस्व ई की मात्रा और जी के अंदर आएगा दीर्घ ई की मात्रा, तो दोनों मात्राओं में मिस्टेक है। चिकित्सा, इसके अंदर क्या मिस्टेक है? सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि ये दीर्घ ई की मात्रा को ह्रस्व ई की मात्रा बनाना है। इसके बाद लिखा है ध्वस्त, जबकि ये वर्ड कौन सा है? ध्वस्त लिखना है, तो सिर्फ ध को व से ज्वाइंट करना है, ध्वस्त, ज्वाइंट लेटर बनाने हैं, ध्वस्त करके कंप्लीट करना है। फिर लिखा है व्यावसायिक,
ओके व्यावसायिक व्यावसायिक लिखा है तो इसके अंदर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर लिखा है व्यावसायिक जबकि आता है वर्ड व्यावसायिक ओके तो यहाँ पे आकी मात्रा करके कंप्लीट करेंगे। कृत्रिम कृत्रिम लिखा है कृत्रिम जबकि ये वर्ड क्या है कृत्रिम है तो यहाँ पे रू का रूप करना है, ये वाला रू का रूप नहीं परंतु ये वाला रू का रूप लिख के वर्ड को कंप्लीट करना है। उसके बाद लिखा है स्मरण ऐसा लिखा है ओके जबकि वर्ड कौन सा है संस्मरण तो स के ऊपर अम की मात्रा करके स्म स को म से ज्वाइन करके ये वाला भी गलत है, यहाँ पे अम की मात्रा तो लगानी है फिर स को म से ज्वाइन भी करना है और वर्ड को कंप्लीट करना है स्मरण ओके। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 विलोम शब्द लिखो ऑपोजिट वर्ड योग्यता उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अयोग्यता आरंभ उसका बनेगा शुरू शक्तिशाली उसका बनेगा कमजोर सुविधा उसका बनेगा असुविधा शांति उसका बनेगा अशांति और दुखद उसका बनेगा सुखद। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेक अर्थी शब्द कहलाते हैं जैसे आम एक फल है मुझे आम खाना पसंद है आम यानी साधारण आम लोगों के लिए हित लोगों के हित के लिए कार्य करने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि आम शब्द के दो अर्थ है एक फल है और दूसरा है साधारण इसीलिए यह अनेक अर्थी शब्द है। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसके बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके ज्यादा अर्थ बनते हो ऐसे वर्ड को कहा जाता है अनेक अर्थी। अनेक अर्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें यहाँ पे लिखा है हार तो हार का एक मीनिंग होता है पराजय और हार का एक अर्थ होता है माला तो इसके वाक्य क्या बनेंगे वीरों के साहसपूर्ण कारनामों से शत्रु की हार हुई। दूसरा अर्थ है माला तो माला का बनेगा वीर सैनिकों को जीत के हार पहनाए गए ऐसे उनके मीनिंग के दो सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे लिखा है पूरी पूरी के दो अर्थ है एक है सारी और दूसरा है भोजन का एक प्रकार पूरी होती है ना वो हमारे भोजन का प्रकार तो इसके दो वाक्य कैसे बनेंगे अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज में पूरी ताकत झोंक दी। दूसरा वाक्य क्या बनेगा उसे दावत में केवल पूरी खाना पसंद है। दूसरा वर्ड है पर तो पर के दो मीनिंग है पर का होता है ऊपर और दूसरा होता है पर का पंख विंग्स ओके तो वाक्य कैसे बनेगा उसने जांच करने पर पाया कि विस्फोटक से आग लगी है ये इसका सेंटेंस है। अभी पंख का मोर के पर बहुत मोहक होते हैं ऐसे उसके सेंटेंस बनेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं तथा नए शब्द बनते हैं उपसर्ग कहलाते हैं यानी शब्दांश का अर्थ होता है जो शब्द के पहले लगाया जाता है ओके और उसके मीनिंग में वो चेंजेस ला देता है उसे क्या कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द के एंड में उस एड होता है या फिर शुरू में एड होता है और फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे कि अउपसर्ग प्लस 4 एक संख्या तो क्या बनेगा अचार ओके वैसे ही वी प्लस 4 क्या बनेगा विचार। उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखो विभिन्न उसके अंदर उपसर्ग भी ढूंढना है और मूल शब्द भी ढूंढना है तो विभिन्न के अंदर मूल शब्द है भिन्न उपसर्ग कौन सा है वी विज्ञान उसके अंदर मूल शब्द है ज्ञान और मूल उपसर्ग है विज्ञान। अवशोषित उसके अंदर मूल शब्द है शोषित और उपसर्ग है अव। उपयोग उसके अंदर मूल शब्द है योग और उपसर्ग है उप। प्रयोग उसके अंदर मूल शब्द है योग और उपसर्ग है प्र। विशाल उसके अंदर मूल शब्द है शाल और उपसर्ग है वी। बराबर तो ऐसे यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट।